नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एस टुडे की विशेष बातचीत में। मैं हूं आपके साथ अनु शर्मा, कैमरामैन अश्विन कुमार के साथ। तो दर्शकों, आज हम आए हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या आदर्श विद्यालय में। ये जो स्कूल है, ये काफ़ी वर्षों पुराना स्कूल है। इस स्कूल का अपना ही अलग जो है इतिहास रहा है। यहाँ पे जो बच्चियाँ पढ़कर यहाँ से गई हैं, उन्होंने भी अच्छे पदों पर आज भी काबिज हैं। और जो बच्चियाँ यहाँ से स्कूल में पढ़ रही हैं, वो अच्छे अंक प्राप्त करके अपने माता पिता व स्कूल का नाम रोशन कर रही हैं। तो आज हम इस स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं विजय गौतम जी, उनसे जानेंगे कि इस स्कूल का जो कोरोना काल में जो बच्चों के लिए जो प्रोसेस थी, जो पढ़ाई करने के लिए जो बच्चों के लिए क्या कैसे उन्होंने कोरोना का जो काल था उसमें कैसे बच्चों को पढ़ाई करवाई गई, और जो नई शिक्षा नीति है उसके बारे में उनकी कैसी तैयारियां हैं, और जो नए कोर्स जो जैसे वोकेशनल का नया कोर्स आया है बच्चों की, उसमें बच्चे जो हैं उसमें कैसा जो वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बच्चों की उस जो नई शिक्षा नीति है उसके लिए कैसी तैयारियाँ हैं। तो आइए हम जानते हैं विजय गौतम जी से, जो यहाँ स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, उनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि स्कूल के जो बच्चों के लिए जो यहाँ पे जो कार्यक्रम करवाए जाते हैं, बच्चों के लिए जो नई शिक्षा नीति है, बच्चों के लिए जो नए नए कोर्स जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं, बच्चों जो बच्चे हैं उसमें कैसी रुचि रखते हैं, और यहाँ का जो स्टाफ है वो बच्चों को किस तरह जो बच्चों को किस तरह से जो पढ़ाता है, और बच्चे उसमें कैसे जो है रुचि रखते हैं। आपको बता दें कि बच्चों को यहाँ पे हर जो सरकारी सुविधा होती है वो हर सुविधा जो मुहैया करवाई जाती है। बच्चों के लिए सुबह के टाइम योगा करवाया जाता है, बच्चों के लिए अलग से जो है लैब बनाई गई हैं, सारी जो लैब होती हैं वो सारी उस लैबों की सुविधा है। यहाँ पर है जो बच्चियों के लिए जो जिम भी है खोला गया है, बच्चियों के लिए जो योगा क्लासेस हैं वो भी दी जाती हैं। अब प्रधानाचार्य जी से रूबरू होंगे और उनसे जानेंगे कि जो इस स्कूल का जो पूरा बच्चों के लिए जो पढ़ाई का सिस्टम है वो कैसा है, और जो नई शिक्षा नीति है वो किस तरह से वो बच्चों को तैयार करने में लगे हुए हैं। तो दर्शकों, अभी हम कन्या जो विद्यालय है हमीरपुर में, वहाँ स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं विजय गौतम जी, उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि जो इस साल की जो नई शिक्षा नीति है और जो आगामी सत्र की तैयारी है बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए जो आगामी सत्र की तैयारी है उसके बारे में जानेंगे, और बच्चों को क्या क्या जो फैसिलिटी है यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाती हैं। आइए उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं इस बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। एस टुडे में आपका धन्यवाद। तो सर, आप हमें बताइए कि जैसे जो पिछला साल कोरोना के संकट में रहा है, तो आपने बच्चों को कैसे पढ़ाई के लिए कैसे मैनेज किया? जहाँ तक इस पाठशाला की बात है, ये मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय है। यहाँ सरकार की ओर से अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाता है, और बच्चों को कोरोना संकट से बचाने के लिए सरकार की ओर से दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन किया गया। बच्चों के प्रतिदिन हाथ सैनिटाइज किए जाते हैं और उनको जो है वो हाथ धुलवाए जाते हैं। जो SOP सरकार की ओर से जारी की गई, उसकी पूरी गाइडलाइंस का जो है स्टाफ द्वारा और जो हमारा लेबोरेटरी स्टाफ है उसके द्वारा पालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चे प्रतिदिन फेस मास्क का उपयोग करते हैं, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका हमने विशेष रूप से पालन किया है। डेस्कों पे अकेले अकेले बच्चे को बिठाया जाता है, और सफाई की जो है वो व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से हमने लागू की हुई है, ताकि किसी प्रकार का संक्रमण ना फैले। पहले तो सर, आप हमें बताइए कि पिछले साल का क्या रिकॉर्ड रहा है बच्चों की पढ़ाई को लेकर? जहाँ तक ऑनलाइन की बात है, बीच में सरकार द्वारा छूट दी गई थी, तो जो बच्चे हैं उन्होंने क्लासेज भी लगाई, और हमारे इस पाठशाला में जो कोविड टेस्ट हुआ था सभी अध्यापकों का और कर्मचारियों का, तो कोई भी जो कर्मचारी है वो पॉजिटिव नहीं आया, सभी नेगेटिव थे। अभी भी हमारे दो कर्मचारियों का टेस्ट हुआ, वो दोनों नेगेटिव हैं, और कोई भी बच्चा जो है हमारा कोरोना से संक्रमित नहीं पाया गया, अर्थात उसका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया। बच्चों ने विशेषकर साइंस और कॉमर्स में 80-90% उपस्थिति दी नवंबर माह में, और फरवरी में सभी बच्चों की 80-90% तक उपस्थिति रही। उसके लिए मैं श्रेय मुख्यमंत्री जी को दूंगा, जो उन्होंने ये अपने जन्मदिन पे एक तोहफा दिया था इन विद्यार्थियों के स्कूल लगेंगे, और बच्चों ने ये मांग की थी, अभिभावकों ने ये मांग की थी, और उसको इन्होंने माना, और उसके सार्थक परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ समय जो है बच्चों की ऑफलाइन क्लासें स्कूल में भी लगी। पर सरकार की ओर से ये बाध्य नहीं किया गया था विभाग की ओर से कि आप स्कूल में ही आएँ,
दोनों तरफ से पढ़ाई चली हुई थी, ऑनलाइन भी बच्चे पढ़ रहे थे, ऑफलाइन भी बच्चे पढ़ रहे थे। तो ये एक अच्छा निपटान सरकार की ओर से किया गया, शिक्षा विभाग की ओर से किया गया, जिला प्रशासन की ओर से किया गया। मैं धन्यवादी हूँ स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर जी का, उन्होंने इस पाठशाला के लिए 300 मास्क, हर बच्चे के लिए मास्क भेजा और सैनिटेशन के लिए उन्होंने अपनी ओर से कुछ गुप्त दान उनकी धर्मपत्नी ने और उन्होंने भी स्कूल के लिए भेजा था। तो मैं इस मंच से उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ की सैनिटाइजेशन के लिए, शहर का जो ये एकमात्र सरकारी कन्या विद्यालय है, उसके लिए गुप्त दान अपनी अच्छी निधि से भेजा था। मैं उसका वर्णन यहाँ नहीं करना चाहूँगा। तो पूरा जो यहाँ हम SOP का जो है पालन करते हैं, इसलिए यहाँ कोई भी कोरोना का केस इस पाठशाला में नहीं आया। तो सर आप हमें बताइए, जो नई शिक्षा नीति जो है लागू हो रही है और जो स्कूल में जो वोकेशनल का नया कोर्स आया है, तो बच्चे अपनी कैसी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं? यहाँ नया शिक्षा नीति के अनुरूप ही ऑलरेडी वोकेशनल कोर्स चल रहे हैं, लेकिन वो 9वीं से 12वीं तक थे। नई शिक्षा नीति में ये जो कोर्सेज हैं ये अब 6ठी से शुरू हो रहे हैं। इससे एक तो बच्चों का जो एक खेल खेल में सीखना, वो चीज़ एक इस सरकार का जो नई शिक्षा नीति 2020 एक विज़न है। पहले की शिक्षा नीतियाँ भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वक्त की मांग को देखते हुए जो ये सरकार ने निर्णय लिया है कि इसको 21 से अभी अप्रैल से परसों से ये लग रही है, तो ये एक बहुत अच्छा सरकार का निर्णय, हमारा पूरा सहयोग इसमें है। पर मैं ये चाहूँगा कि वोकेशनल के जो और कोर्सेज़ हैं वो यहाँ भी दिए जाएँ और इलाके को देख के ये सुनिश्चित करें कि किस इलाके में कौन सा वोकेशनल कोर्स बच्चों की सुविधा के लिए अच्छा रहेगा, बच्चों के उस इलाके की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार अच्छा रहेगा, वो कोर्स उन पाठशालाओं को दिए जाने चाहिए। फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर जैसे है, या फलों से जूस वगैरह निकालने का है, तो ये अपर एरिया में, यहाँ से आम वगैरह के जो फूड प्रोसेसिंग है, आम नींबू खट्टे वगैरह के जो हैं, वो हमारी इस लोअर बेल्ट में वो प्रोसेसिंग के जो ट्रेनिंग है वो यहाँ दी जानी चाहिए। ऐसे वोकेशनल कोर्स जो फूड प्रोसेसिंग के हैं, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से या किसी और माध्यम से हैं, वो कोर्सेज जो हैं वो लोअर बेल्ट में दिए जाने चाहिए। और इसी प्रकार जो मशरूम वगैरह के कोर्सेज़ हैं, वो मेरे कहने का मतलब ये है कि ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से वोकेशनल कोर्स जो है वो सरकार तय करे, और ये एक अच्छा स्टेप है राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर। तो सर आप हमें बताइए कि जो आगामी सत्र की तैयारी है वो कैसी रहेगी, और जो बच्चों के लिए यहाँ पे सुविधा है जैसे योगा क्लासेज लगती हैं और जो बच्चियों के लिए जिम बनाया गया है, उसमें बच्चे कैसे जो अपना भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं? यहाँ जो है जो मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय योजना के तहत 6 लाख से हमने एक जिम स्थापित किया है, और उसमें बच्चे, क्योंकि आजकल कोरोना करके हम बच्चे और पढ़ाई में व्यस्त होने के कारण उतना उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, इस सत्र में कम प्रयोग हुआ, लेकिन लगातार वो बच्चे जो हैं वो यहाँ आते हैं और अपनी फिटनेस के लिए उनको जो हमारे DP और जो एक्स्ट्रा ट्रेनर हमने ऑलरेडी हायर किए हैं, वो स्वास्थ्य को कैसे और अपने जो जिम का प्रयोग कैसे करना है वो टिप्स देते हैं। थोड़ा सा इस बार कोरोना करके ये एक कमी रही कि जिम का उपयोग उतना नहीं हो पाया। इसके साथ ही यहाँ सरकार की ओर से कबड्डी के लिए उच्च स्तर के मैट्रेसेस दिए गए हैं, उनका प्रयोग बच्चियाँ जो हैं वो प्रैक्टिस के लिए करती हैं। यहाँ एक डस्ट फ्री हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें खेलने का जो इनकी है बैडमिंटन की और वॉलीबॉल की व्यवस्था है, बच्चे उसका भी आनंद लेते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी जो ये लैब्स हैं, चाहे वो भौतिकी की प्रयोगशाला है, चाहे वो रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला है, या वो अन्य ICT की प्रयोगशाला है, स्मार्ट क्लासरूम है, वो हेल्थ केयर की प्रयोगशाला है, या टूरिज्म की प्रयोगशाला है, ये सभी मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स हैं, लेटेस्ट जो हैं, उनसे सुसज्जित हैं, और हमारे जो इनके लेक्चरर्स हैं वो बड़े अच्छे ढंग से प्रयोग जो हैं वो इनको करवाते हैं। बाहर से भी हम गेस्ट टीचर मंगवाते हैं ताकि बच्चों के जो विकास में जो है चहुमुखी विकास हो सके। एक बात पूछनी थी सर, स्टाफ का कैसा रवैया है बच्चों के प्रति, और बच्चे जो हैं अपने अध्यापकों से कैसे खुलकर जो अपने जो उनके प्रश्न होते हैं वो क्या पूछ सकते हैं? या फिर हम सौभाग्यशाली हैं कि ये कन्या विद्यालय है, यहाँ जो है वो मातृशक्ति जो है वो अधिक संख्या में हमारे लेडी टीचर्स हैं, और हर एक अध्यापक ने 12 से 15 बच्चियों को अपनाया है, वो उनकी जो लोकल गार्डियन है, ये एक इसी स्कूल में ये कंसेप्ट है, ये जो मैंने ये अपने स्टाफ्स को दिया था, तो ये मेरे जो प्रत्येक टीचर है वो 12 से 15 बच्चियों को अडॉप्ट करता है, वो उनकी लोकल गार्डियन है, पर्सनल काउंसलिंग करता है, वो 6 से 12 तक के बच्चे हैं, और उनके माता पिता से भी वो संपर्क में रहते हैं,
ताकि बच्चों को जो है किसी प्रकार की समस्या ना हो, और एक छोटा सा ग्रुप जो है अभिभावकों को भी प्रत्येक टीचर के साथ जो है वो अपने बच्चे का जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी जानने का या प्राप्त करने का मौका मिलता है। तो सर हमें बताइए कि जो नई शिक्षा नीति है उसके लिए जो आगे का आगामी सत्र है वो कैसा रहेगा, और जो बच्चों के लिए जो इस सत्र में एडमिशन का प्रोसेस है वो कैसा है? नई शिक्षा नीति हिमाचल सरकार ने केंद्र के ने जब ये लागू की एकदम अडॉप्ट की, और इस सत्र से ये पूर्णतया 2021-22 का जो सत्र है ये लागू हो जाएगी। हमने इसको प्रदेश स्तर पर लागू कर दिया है, और उसी के अनुसार बच्चों को जो दाखिला है अब हमारे इस पाठशाला में 5 अप्रैल से दाखिले शुरू हो रहे हैं। जो हमारे पास वोकेशनल उपलब्ध हैं उसी के हिसाब से उनको वोकेशनल में जो एडमिशन है वो दी जाएगी। तो इसके लिए सरकार ने वोकेशनल में एडमिशन जो है वो वजीफे जो हैं विभिन्न प्रकार के स्कॉलरशिप जो हैं वो सरकार ने लागू किए हैं, चाहे वो हायर कोर्सेज हैं चाहे वो स्कूल स्तर पे हैं। अर्थात मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने प्रत्येक विद्यार्थी को वोकेशनल के लिए जो है वो वजीफा देने का जो है वो एक प्रण लिया हुआ है, और वो सरकारी स्कूलों के माध्यम से वोकेशनल के बच्चों को दिया जाएगा। तो सर आप हमें बताइए कि जो नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके लिए कैसी तैयारी है? नई शिक्षा नीति वर्ष 2021 से लागू हो चुकी है, और इसमें सरकार ने ये निर्णय लिया है हिमाचल सरकार ने कि इसी सत्र से ये पूरे प्रदेश में लागू कर दी जाएगी। ये जो पुरानी शिक्षा नीति है इस सत्र में अभी परसों 31 मार्च को ये अभी ख़त्म हो जाएगी, और नई शिक्षा नीति जो है वो उसके अंतर्गत नए कोर्सेज जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस शिक्षा नीति में विशेषकर जो नई बात है वो ये है कि पहले जो है जो पूर्ववर्ती जो चल रही है शिक्षा नीति, इसमें जो कोर्स बच्चा पूरा नहीं कर पाता था किसी कारण बीच में पढ़ाई छोड़ देता था तो उसको वो अधूरी पढ़ाई का लाभ नहीं मिलता था। नई शिक्षा नीति 2020 में जितने भी बच्चे का अगर कोर्स अधूरा भी है तो उस जो उसने कवर कर लिया है कोर्स उसके अनुसार उसको प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट के जो उपक्रम हैं उनमें अब वो नौकरी के लिए पात्र होगा। अर्थात अगर उसने लेवल ए कर लिया है तो लेवल ए के अनुसार उसको जॉब मिलेगी, और अगर उसने लेवल बी कर लिया है या उससे ऊपर लेवल सी कर लिया है तो जितने लेवल उसने क्रॉस कर लिए हैं उसी के अनुसार अब उसको जॉब मिल जाएगी, अर्थात बेरोजगारी पे अंकुश लग सकता है। और सरकार ने ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें दोनों तरफ पात्रता बढ़ा दी है, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में जाएं या प्राइवेट सेक्टर में वो जो सर्टिफिकेट हैं वो मान्य होंगे। तो सर आप हमें बताइए कि जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कैसा रहेगा? एडमिशन के लिए जहाँ तक मेरे इस विद्यालय की बात है तो 6ठी 7वीं 8वीं से 12वीं तक यहाँ एडमिशन्स होती हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट लेके यहाँ आ सकते हैं, और 5वीं के बच्चे अपना SLC लेके, 9वीं के बच्चे और +1 के बच्चे जो हैं वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेके इस पाठशाला में दाखिला ले सकते हैं। अन्य कक्षाओं में भी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेके यहाँ दाखिला जो है वो दिया जाता है। और जो डिफरेंट हमारे 3 स्ट्रीम यहाँ चलते हैं, बेसिकली हमारे यहाँ आर्ट्स भी है, साइंस भी है और कॉमर्स भी है, तीनों संकायों में, और साइंस में हमारे मेडिकल नॉन मेडिकल 2 जो उपभाग हैं इनमें सभी में दाखिला जो है हमारा 5 तारीख से अप्रैल 5, 2021 से शुरू है, और ये पूरा अप्रैल चलता रहेगा। सरकार के नियमानुसार इस पर समय पर छूट दी जाती है तो आगे भी ये जारी रहेगा। मेरा अनुरोध है सभी अभिभावकों से कि ये सबसे सस्ते स्कूल और सबसे क्वालिफाइड जो यहाँ स्टाफ होता है इस पाठशाला में, विशेषकर हमारे पास PhD टीचर भी हैं और 30-30 साल एक्सपीरियंस वाले टीचर अधिकतर हैं, 15 साल से कम किसी का एक्सपीरियंस नहीं है, और पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट जो है हमारे यहाँ लर्न्ड स्टाफ है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो अभिभावक हैं इन शिक्षकों का लाभ लें, और सबसे बड़ी बात यह सभी सरकारी स्कूलों में 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, 12वीं तक और ग्रेजुएशन लेवल तक भी लड़कियों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। तो ये एक कन्याओं के लिए विशेष उपहार है सरकार का, तो सभी अभिभावक इसका फ़ायदा लें। दूसरा मेरा ये संदेश रहेगा अभिभावकों को कि जो पैसा जो है वो
यहाँ से बचता है उनका हायर कोर्सेज के लिए, वो अपनी बच्चियों के हायर कोर्सेज के लिए, उच्च शिक्षा के लिए इस पैसे का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा विभाग जो हैं अपनी बच्चियों को सरकारी स्कूल में दाखिला दें। मेरे पिछले स्कूल का जो रिकॉर्ड है तो 3 मेरिट थी हमारी, कॉमर्स में मेरिट थी और टॉप 100 में हमारी 7 लड़कियाँ केवल इसी विद्यालय की थी। तो ये हमारा परीक्षा परिणाम है, 94, 91 और 93% हमारा इस प्रकार के बच्चियों का जो है वो स्कोर रहता है। और प्रोफेशनल में भी सरकारी संस्थाओं में हमारे स्कूल की 4 बच्चियाँ जा चुकी हैं पिछले सत्र की। इस साल भी मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे आएंगे और सरकारी संस्थाओं में जो उच्च शिक्षा के लिए कोर्सेज के लिए हमारे बच्चे इस सत्र भी जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। तो प्रधानाचार्य जी से, विजय गौतम जी से आपने जाना कि यहाँ सस्ती शिक्षा जो है यहाँ पे दी जाती है और बहुत सी बच्चियाँ पहले जो यहाँ से पढ़ लिख कर गई हैं वो ऊंची ऊंचे पदों पर आज भी काबिज हैं और यहाँ जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं वो भी अच्छे अंक प्राप्त करके अपने माता पिता का, अपने स्कूल का, अपने अध्यापकों का नाम रोशन कर रही हैं। तो ये थी हमारे साथ आपकी एस टुडे की स्पेशल रिपोर्ट।